Now, I would take this opportunity to talk about our organization, Sasakawa India Leprosy Foundation. हम लोग की संस्था दिल्ली में है, but हम लोग काम leprosy colonies में pan India, all over India करते हैं. हम लोग के तीन programs चलते हैं. एक livelihood, जो लोगों को रोजगार, पैसे कमाने का जरिया के लिए मदद करता है. एक हमारा educational programs है, जिसके अंतर्गत आप बच्चों से मिले हो, हमारे scholarships के बच्चे, जो हमारे nursing scholarships में बच्चे हैं, उनको हम nursing, BSc nursing, GNM के courses की मदद करते हैं. फिर हमारे दलाई लामा Sasakawa scholarship for higher education है, जिसके अंदर जो बच्चे professional courses में अपने admission लेना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, उनकी मदद की जाती है. और एक और program है dropouts बच्चों के लिए, जो है skill development training. अगर हम पढ़ना नहीं चाहते तो जरूरी नहीं कि हमारी जिंदगी खत्म, हमारे पास कोई काम नहीं, बट हम ट्रेनिंग के जरिए से एंट्री लेवल जॉब्स का काम पा सकते हैं. तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट जिसने आप लोगों का यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, वो है कम्युनिकेशंस एंड एडवोकेसी टीम. हम लोग के लिए दुनिया को ये मैसेज देना कि लेप्रोसी कंटेजियस नहीं है. लेप्रोसी अफेक्टेड लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, उनका स्टिग्माटाइजेशन ना किया जाए, इसका मैसेज स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चों के थ्रू हम लोग करवाते हैं. उनकी सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स होती है, फेस्टिवल्स के थ्रू उनको ये मैसेज दिया जाता है, ताकि आप लोग अपने फैमिलीज में, अपने नेबर्स के साथ, अपने आस पड़ोस में ये मैसेज पहुंचा सकें. Sasakawa इंडिया Leprosy फाउंडेशन वर्क्स फॉर सोशो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन फॉर Leprosy अफेक्टेड एंड देयर फैमिलीज. Mr. Sasakawa, who we are lucky is here with us today, had this dream of eliminating leprosy not only from India but from the entire world. He's been associated with this field for last 40 years and have been serving selflessly to leprosy affected people and their families. Not only Sasakawa India Leprosy Foundation was his gift to our country, but also he is motivating, encouraging leprosy affected people to form their association, encouraging them to fight for their equality and get them mainstreamed in the society. Sasakawa India Leprosy Foundation 2006 mein established hua tha. Pichle saal humne 10 saal complete kiye hain. Hamare livelihood jo hamara flagship program hai, 200 se zyada usme projects support kiye gaye hain. हमारे एजुकेशन के अंडर हमने 600 से ज़्यादा बच्चों को रीच किया है, और कम्युनिकेशन से हमने दिल्ली के अंदर ही 30 से 40 स्कूलों पे ये मैसेज पहुंचाया है कि लेप्रोसी इज़ नॉट कंटेजियस, प्लीज़ डोंट डिस्क्रिमिनेट विद पीपल अफेक्टेड बाय लेप्रोसी. हमारे बीच में यहाँ पे लेप्रोसी अफेक्टेड लोग, जिनका एक संस्था है एपैल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाय लेप्रोसी, हमारे बीच में आज बैठे हैं. हमारे साथ उनके चेयरमैन मिस्टर नरसप्पा हैं. हमारे साथ मिस्टर नरसप्पा जी, आप एक बार खड़े होकर सबको हेलो तो करिए. हाय, हेलो. हमारे साथ मिस्टर वेणुगोपाल, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, दिल्ली के स्टेट लीडर भी हैं. देन वी हैव मिस्टर थकर, जो सिर्फ एडवाइजर इनके एपाल के नहीं, हमें भी काफी प्रोग्राम्स में मदद करते हैं. देन वी हैव अ स्टेट लीडर फ्रॉम एमपी, मिस्टर सारंग. सारंग जी, सारंग जी की बदौलत, उनके मदद से हमने मध्य प्रदेश में बहुत बच्चों को स्कॉलरशिप्स, बहुत बच्चों को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की, और आगे भी आपकी मदद चाहिए, आप सबकी मदद चाहिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए.